This is shocking, and this is a complete violation of the basic protocol and the norms of the tender process. Ernst & Young has quoted some 3.06 crore. Boston Consultancy Group quoted 6.2 crore. The tender went to Boston Consultancy Group. I've been told the lady who used to head the group that time, Seema Bansal, now is the vice chairman of the Punjab Development Commission of Punjab. The corruption is much deeper because the same woman has been promoted in Punjab. पहले भी कहते रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला शिक्षा क्रांति के नाम पे किया गया है. कैसे एक कंपनी को फेवर करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सारे नियम ताक पर रख दिए हैं. 2021 में टेंडर होता है, दो कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, एक का नाम बोस्टन है, दूसरी का नाम है अर्नेस्ट एंड यंग. और जिस कंपनी बोस्टन का जो बिड आई है वो है 6 करोड़ 2 लाख, और दूसरी कंपनी की जिसकी बिड आई है 3 करोड़ 6 लाख. लेकिन छोटे बिडर को टेंडर ना देके जानबूझकर जिसकी बिड ज़्यादा है उसको दिया जाता है, जबकि वो कंपनी वो एलिजिबल जितने भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करती है.